जानते हैं जब गजब में, और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा। एलियंस को लेकर दुनिया भर में अजीब सी खबरें आती हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी होता है एलियंस को जानने में, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी चीज है जिसके होने के सबूत हमेशा छिपाए जाते रहे हैं या ना होने के बारे में अजीब अजीब जानकारियां सामने लाती गई हैं। कई बार लोग धरती पर एलियन और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। लोगों के दावों के बारे में जानकर कभी कभी तो वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं, क्या वाकई में ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इस चीज को लेकर लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिक सालों से एलियन के अस्तित्व को लेकर शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आए दिन कोई ना कोई नए दावे एलियन को लेकर कर दिए जाते हैं। अमेरिका पर सालों से एलियन की जानकारी छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं। अब एलियन को लेकर एक नई चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका पर हर बार एलियंस को लेकर उनकी जानकारी छिपाने के आरोप लगते हैं, लेकिन अब अमेरिका के ही एक कांग्रेसमैन ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनके दावे के मुताबिक जल्द ही आसमान पर एलियंस के एयरक्राफ्ट यूएफओ का कब्जा हो जाएगा। आने वाले दिनों में हवाई जहाज ज्यादा हादसे का शिकार हो जाएंगे और ये हादसे प्लेन और यूएफओ की टक्कर की वजह से होंगे। इंसान अपने जहाज को नहीं उड़ा सकेगा। अपनी बात को और पुख्ता करते हुए वो आगे बताते हैं कि इन हमलों के बाद सेना को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कांग्रेसमैन का कहना है कि एलियन से निपटने के लिए नासा ने कई योजनाओं को लॉन्च किया है, लेकिन उनको लगता है कि एलियन से निपटने के लिए ये प्लान भी कम है। कांग्रेसमैन ने यह भी बताया कि हमेशा अमेरिका पर ही एलियंस की जानकारी को छिपाने का आरोप लगता है, यानी इन दावों में कुछ न कुछ सच्चाई तो है। अगर जनता से एलियंस की जानकारी को छिपाया जाता है तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस चीज से जुड़े अच्छे और बुरे चीजें कैसे जान पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो धरती को एलियन हमले से बचाना चाहते हैं तो अमेरिका को इंसानों को एलियंस के बारे में सच बताना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि वाकई में इस धरती पर एलियंस हैं?